पाकिस्तानी बॉलर जुनैद खान का कहना है कि कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और ऑलराउंडर शादाब खान को इंग्लिश लीग T20 ब्लास्ट खेलने नहीं जाना चाहिए था। अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए जुनैद खान ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB को कौमी टीम के सीनियर खिलाड़ियों को ज़्यादा एहतियात से हैंडल करना चाहिए क्योंकि ये वर्ल्ड कप का साल है और इस वक्त इन्हें टॉप कंडीशन में होना चाहिए। जुनैद खान ने कहा, मेरी राय में ये बेहतर होता अगर बोर्ड शाहीन को T20 ब्लास्ट खेलने की इजाज़त ना देता और इन्हें अपनी फिटनेस पर काम करने और कुछ आराम करने का मशवरा देता, क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है और आगे मजीद सीरीज हैं, हमें इसकी ज़रूरत है। कौमी क्रिकेटर ने कहा कि लीग में शाहीन की ज़रूरत नहीं है, वो पाकिस्तानी टीम की रीढ़ की हड्डी है। शाहीन अफरीदी PCB की जानिब से तीनों फॉर्मेट्स में खेल रहे हैं। वो हाल ही में इंजरी से वापस आए हैं और आपने देखा होगा कि इसने अब तक सिर्फ 2 मैच खेले हैं और दोनों ही मैचों में जद्दोजहद की है। शादाब खान के हवाले से जुनैद ने कहा कि इनको पहले ही फिटनेस के कुछ मसाइल हैं और इन्हें लीग में खेलने की इजाज़त भी दी गई है। मेरी राय में PCB को इन चीज़ों पर सोचना चाहिए। ताहम जुनैद का ख्याल है कि इंग्लैंड में लीग क्रिकेट लेग स्पिनर उसामा मीर और तेज़ गेंदबाज जमान खान जैसे नौजवानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी।